नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, हम जब भी जिक्र करते हैं देश में हुए बैंक घोटालों का, तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आते हैं वो है विजय माल्या और नीरव मोदी का। विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए और नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ का घोटाला किया। अगर दोनों घोटालों को मिलाकर बात करें तो कुल 23,000 करोड़ का घोटाला इन दोनों ने किया। लेकिन एक और घोटाला सामने आया है जो अकेले 23,000 करोड़ का घोटाला है, यानी देश में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। एक दो नहीं बल्कि पूरा 28 बैंक इस घोटाले का शिकार हो गए हैं और उन्हें 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एबीजी शिपयार्ड बैंक घोटाले की। कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इस घोटाले में शामिल हैं, कैसे इतनी बड़ी रकम विदेश पहुंचा दिया गया, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी का क्या है कारोबार। तो दोस्तों, बता दें कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की 1985 में शुरू हुई थी। गुजरात के दाहेज और सूरत में एबीजी समूह की यह शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। इस कंपनी ने 1991 तक तगड़ा मुनाफा कमाते हुए देश विदेश से बड़े बड़े ऑर्डर हासिल किए। खबरें बताते हैं कि 2016 में कंपनी को $55 करोड़ से ज्यादा का भारी नुकसान हुआ और इसके बाद इसकी हालत पतली होती गई। अब आपको बताते हैं कि देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले को किसने और किस तरह अंजाम दिया। जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब होने लगी, तब अपनी वित्तीय हालत का हवाला देते हुए कंपनी ने बैंकों से कर्ज लिया और इस सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया। देश के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी पर वर्ष 2012 से 2017 के बीच कुल 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। इसके आधार पर 7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने इस मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर संथान मुथुस्वामी और 3 डायरेक्टर अश्वनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमन निवाटिया आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के केस दर्ज किए हैं। कंपनी पर आरोप है कि बैंक फ्रॉड के जरिए प्राप्त किए गए पैसे को विदेश में बेचकर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई। अब आपको बताते हैं कि किन किन बैंकों की कितनी रकम इस घोटाले में डूब गए हैं। देखिए स्क्रीन पर सबसे पहले नाम आता है आईसीआईसी बैंक का, जिसका 7,089 करोड़ रुपए बकाया है। आईडीबीआई का 3,634 करोड़, 2,985 करोड़, एसबीआई का 1,614 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,244 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक और 1,228 करोड़ इंडियन ओवरसीज बैंक के बकाया है। यानी इन 6 बैंकों के ही 17,734 करोड़ रुपए बकाया है। इनके अलावा 22 और बैंकों के 5,108 करोड़ रुपए बकाया है, जो मिलेंगे या नहीं फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि बैंकों का ये भारी भरकम लोन अमाउंट जुलाई 2016 में एनपीए घोषित यानी दिवालिया घोषित कर दिया गया था, लेकिन 8 नवंबर 2019 को 28 बैंकों के प्रतिनिधियों ने सीबीआई में पहली बार इस बड़े घोटाले को लेकर एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 2020 में सीबीआई ने इस
शिकायत के संबंध में कुछ और जानकारियां मांगी थी, जिसके बाद अगस्त 2020 में बैंकों ने दोबारा संशोधित शिकायत सीबीआई को भेजी। डेढ़ साल मामले की जांच करने के बाद आखिरकार सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की। इस मामले में सूरत, मुंबई और पुणे समेत कंपनी के 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद सबसे बड़ा घोटाला देश के सामने आया, जिसने विजय माल्या और नीरव मोदी को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह इस घोटाले का भी मुख्य आरोपी कंपनी के पूर्व एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है। खबरों में बताया जा रहा है कि वे इस समय सिंगापुर में रह रहा है। दोस्तों, बैंकिंग फ्रॉड की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020-21 में 83,000 से ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड हुए, जिसमें 1,38,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से केवल 1,000 करोड़ रुपए की ही रिकवरी हुई, यानी जितनी ठगी हुई उसका केवल और केवल 1% भी वापस नहीं आ सका। यह जानकारी इंडिया टुडे के आरटीआई में सामने आई है। देश में होने वाले बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े आंकड़ों की जानकारी के लिए इंडिया टुडे ने आरबीआई में आरटीआई दाखिल की थी। आरबीआई के मुताबिक 2020-21 में हर दिन औसतन 229 धोखाधड़ी हुई थी। इससे पहले 2019-20 में हर दिन धोखाधड़ी के 231 मामले सामने आए थे। 2019-20 में 1,85,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी और इसमें से केवल 8.7% ही रिकवर हो सके थे। दोस्तों, ये थी देश की अब तक की सबसे बड़े बैंक घोटाले की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, दोस्तों में अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप किसी खास मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, हम जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबर भी बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।